तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द रोहित ब्लॉगर। तो भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं नया रिव्यू बनाऊंगा अपनी एक्टिवा 6G का, क्योंकि भाई ये मैंने बहुत पहले ही डालने वाला था ये वीडियो, क्योंकि रात में मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो आज टाइम मिला है भाई मुझे, तो हम ये रात में वीडियो बना रहे हैं। फिर भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो, आपको सारा नया रिव्यू दिखाएंगे इसका। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक जरूर देखना। तो भाई फिर मैं इसकी फ्लैश लाइट बंद करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है। तो भाई एक सेकंड रुकना, ये हमने फ्लैश लाइट बंद कर ली है। और भाई ये आप देख सकते हो स्कूटी यहाँ पे ही खड़ी है। और भाई ये स्ट्रीट लाइट जल रही है, एक मैं उस साइड दिखाता हूँ आपको ये। और यहाँ पे वैसे तो अंधेरा हो रहा है, तो भाई पहले इसकी चाबी घुमा लेते हैं हम। बस भाई ये इसका स्पीडोमीटर है वो बहुत टॉप लगता है, बस ये चीज इसमें बढ़िया लगती है। और भाई ये मैं आपको बता दूं कि ये डीलक्स मॉडल है एक्टिवा 6G का, जिसमें LED आती है, आप ये देख सकते हो, जिसमें LED आती है, डीलक्स मॉडल है। और जो इसका सबसे मस्त लगता है नाइट में भाई, वो इसका स्पीडोमीटर। जिन भाइयों पे एक्टिवा 6G है उनको पता ही होगा कि कितना मस्त लगता है ये, रात में चलाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और भाई इसका थ्रो देख सकते हो आप, ज्यादा बुरा भी नहीं है इसका थ्रो, आप देख सकते हो ये। और ये तो अभी लो बीम पे चल रही है, वैसे हाई बीम पे करते हैं हम, तो ये हाई बीम, अब ये हाई बीम पर है, तो इसका भी आप थ्रो देख सकते हो, इसका भी सही है, मतलब बेकार भी नहीं है। और भाई ये पासिंग लाइट भी दिखा देते हैं हम आपको, ये पासिंग लाइट है भाई यहाँ पर, ये पासिंग लाइट आप देख सकते हो। तो भाई इसके इंडिकेटर दिखा देते हैं आपको, तो भाई ये इंडिकेटर है इसका, और आगे से दिखाते हैं, तो यहाँ से ये ऐसा है, पीछे से दिखाते हैं, पीछे से देख सकते हो भाई आप। अब राइट का और दिखाते हैं आपको, तो भाई ये राइट में दिखाते हैं आपको, ये राइट। तो भाई इसका बैक व्यू और दिखा देते हैं हम आपको, तो ये देखो अभी ब्रेक दबा रखी तो ये इतनी लाइट है, और अभी छोड़ रखी है ये देखो, किसी ने नहीं दबा रखी तो भाई ये इतनी जलती है बिना ब्रेक दबाए। और ब्रेक दबा के दिखाते हैं हम आपको, तो भाई ये इतनी जल जाती है जब हम ब्रेक दबाते हैं, और आप देख सकते हो छोड़ते हैं एक बार तो ये इतनी, अब दबाते हैं तो ये इतनी और बढ़ जाती है। तो भाई ये पीछे भी बहुत रोशनी हो जाती है इसमें, ये आप देख सकते हो। तो भाई यही था इसका पीछे का साइड, और ये इसकी आगे की साइड आप देख सकते हो भाई, इसकी LED लाइट है। और भाई ये गंदी हो रही थी स्कूटी क्योंकि इसकी ज्यादा रनिंग नहीं है। तो दोस्तों एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये चाबी हम चालू करते हैं, और भाई ये जो लाइट है आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये 2 या 3 सेकंड तक जलती है, ये देखो अब बंद हो गई, क्योंकि ये भाई ये इंजन लाइट होती है, इंजन चेकिंग लाइट होती है ये। अगर आपकी एक्टिवा 6G सर्विस मांग रही है, उसमें इंजन में खराबी है, तो ये लाइट जलती रहेगी। अगर कुछ सर्विस भी नहीं मांग रही और अगर इंजन में कोई परेशानी नहीं है, तो भाई ये बंद हो जाएगी, जैसे कि हमने चलाई है अब ये बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारी एक्टिवा की सर्विस भी हो चुकी है, इसके इंजन में कोई परेशानी भी नहीं है। ये चीज एक्टिवा 6G में ही आई है, क्योंकि ये BS6 है। और ये है भाई कुछ इसका नाइट व्यू, मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ एक बार, आप ये देख सकते हो, और ये साइड से देख सकते हो आप। भाई मैं फोकस कर देता हूँ, ये देख सकते हो भाई, और इस साइड से और दिखा देते हैं। इसकी जो सबसे बढ़िया चीज है भाई, वो नाइट में स्पीडोमीटर, भाई ये सबसे बेस्ट लुक लगता है एक्टिवा 6G का। और ये है भाई कुछ LED इसकी।